सन 1947 हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ। सुख और अमन चैन के लिए बंटवारा होने के बावजूद भी पाकिस्तान को चैन की नींद नहीं आई। वह बार बार कश्मीर की रट लगाए जा रहा है, लेकिन कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है वह कश्मीर जो हिंदुस्तान की जान है, वह कश्मीर जो हिंदुस्तान का ताज है, वह कश्मीर जो हिंदुस्तान का श्रृंगार है। राजा हरि सिंह का कश्मीर, वो कश्मीर जो कभी अमन चैन की खूबसूरत वादी कहलाता आया है, वो कश्मीर जो झीलों का गुलदस्ता है, वह कश्मीर जिसकी चोटियां बर्फ की चादर ओढ़े कुछ ऐसे चमकती हैं जैसे कोई योद्धा चांदी का मुकुट पहने सूर्य को प्रणाम कर रहा हो। यहाँ की वादियां कभी मंदिरों की घंटी से और कभी मस्जिदों के अजान से गूंज उठती हैं। आखिर कौन है जो कश्मीर की सुंदरता को निगल जाना चाहता है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इतने कमजोर आदमी जिहाद की राह पे नहीं चल सकते जिसमें अपनी कौम के लिए लड़ने की हिम्मत ना हो, वो अल्लाह की रहमत का हकदार नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान ने हमारे कश्मीर पे कब्जा कर रखा है, उसे हम छीन कर लेंगे। अरे हिंदुस्तानियों, भूल गए, लड़ के लिया था पाकिस्तान, छीन कर लेंगे बस कश्मीर नहीं पूरा हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अगर इस राह में मारे भी गए, तुम्हारा कत्ल भी हुआ, तो अल्लाह तुम्हें मोतियों के महल जन्नत में तामीर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अरे तुम शहीद कहलाओगे, कहलाओगे कि नहीं? अरे जिहाद का जज्बा तो सीने के अंदर होना चाहिए, और जिसमें ये जज्बा नहीं है वो मुनातिक है। सरकार, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों को जिहाद के रास्ते समझ ही नहीं आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल 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 हिंदुस्तान के गद्दार मुसलमान। बोल पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल सड़क का मीनार। बोल, रुक जाओ, इतनी बेरहमी से मत मारो। उठा कमीना, उठाओ, उठाओ साले कमीना, उठाओ। इतनी बेरहमी से मत मारो, अपनी कौम के प्रति लड़ने के लिए जनसंख्या कम हो जाएगी। अल्लाह के नेक बंदे, क्या नाम है तुम्हारा? हबीबुल्लाह। हबीब? अरे वाह वाह, अल्लाह का हबीब, अल्लाह का साथी। तुम्हें तो हमारे लश्कर का रहनुमा होना चाहिए। जिहाद का ये परचम तुम्हें पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। मुझे अपने मजहब से, अपने कौम से बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपने सरजमी से हमें प्यार है। अपनी जान से भी ज्यादा
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, चुप हो जा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जुबान हलक से खींच लूंगा अगर दोबारा हिंदुस्तान का नाम लिया तो। अरे गुस्ताख खुदा के खौफ से डर खा, बहुत हिंदुस्तान हिंदुस्तान कर रहा है। अरे बता, हिंदुस्तान ने आखिर मुसलमान को दिया ही क्या है? हिंदुस्तान ने मुसलमान को क्या दिया है, इससे पहले जान ले हिंदुस्तान के धरती पर कितने मुसलमान वीर पैदा हुए हैं। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, वीर अब्दुल हमीद, इतने को कितने गिनती कराऊं मैं तुझे, तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब रही बात हिंदुस्तान ने मुसलमान को दिया क्या है, 130 करोड़ आम हिंदुस्तानियों ने सलमान, अमीर, शाहरुख खान जैसे मुसलमानों को पलकों पर बिठाया है। कौम के गद्दार, तूने इस्लाम को दिया ही क्या है? जिहाद के नाम पे आतंकवादियों और बदनामी के सिवा कुछ दिया है? चुप कर। पूरे हिंदुस्तान में खून की नदियां बहा दूंगा। इतने गंदे नापाक खूनी मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान का मतलब जानता है तू? मुसल्लम ईमान, जो मुसलमान ईमान का पक्का होता है। हिंदुस्तान वतन है मेरा, मेरी एक एक सांस हिंदुस्तान की है। सच्चा मुसलमान हूँ और हिंदुस्तानी भी। तुझ जैसे कितने नौजवान हिंदुस्तान में मेरा काला कारोबार चला रहे हैं। एक दिन हिंदुस्तान को मैं घुटनों के बल ला के रहूंगा, हिंदुस्तान से कश्मीर को लेके रहूंगा। हम हिंदुस्तानी अपने गर्लफ्रेंड का नंबर अपने दोस्तों को भी नहीं देते, तो क्या कश्मीर तुम्हें देंगे? जब तक रहेगा जान, लड़ता रहेगा खान। तू क्या गुलाम कर पाएगा मेरा हिंदुस्तान? हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ठीक है, जा ओए, जा 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 जा। ए रुका 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 रुका। अरे इधर उधर कर ले साहब, का फोन लगावा। अभी अभी Z1976 गाड़ी आप ही की तरफ निकली है। वहां खड़ा होता है जहां मैटर बड़ा होता है। अरे सुना, नाश्ता उस्ता मिली? रउआ जाके टीवी देखी, हम नाश्ता लेके आओता नहीं। अच्छा, वीर सिंह कहां बाड़े? हाँ बबुआ तैयार होता नहीं। हेलो सर, पचकुइया के जंगल में एगो पुरानी हवेली बाटे, ओइजा सुल्तान नाम का आतंकी शहर में बम ब्लास्ट करे खातिर प्लान बनावता है। ठीक है, तुम लोग पहुंचो, मैं आ रहा हूँ वहाँ। ओके सर। हेलो, रेडी फॉर हंट, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तुम लोग वहाँ पहुँचो। अरे बबुआ बैठी, हम नाश्ता लेके आता नहीं। अरे ना भाभी, आज कुछ जरूरी काम बा। अरे कम से कम नाश्ता तो कर ली। ना भाभी, निकल तनी। ठीक बबुआ, बड़ा खुश रह बबुआ। अरे नाश्ता उस्ता मिली कि खाली देवरे के फेर में लागल रहबू? नाश्ता नाश्ता तो मिलबे करी, लेकिन पहले रउआ हमरा एगो बात के जवाब दी। बोला रउआ, कुछ याद बा हमनी के शादी के
छठा सालगिरह आवे वाला बा और अब की बेर तो हम बड़ गिफ्ट ले रवाहर बेर हमरा के भला फुसला देवे नहीं। सोनू इतना बड़ हो गई फिर भी तुम्हारा सालगिरह मनावे के बड़ा मन करता हो। पापा ये सालगिरह क्या होता है? बेटा जब तुहरो शादी बिया हो जाई ना तब मालूम होई कि सालगिरह का होला, समझ ल बेटा। चलो बेटा स्कूल जाए के लेट होता, चली रहो नाश्ता कर ली। ओह सॉरी सॉरी। कौनो बात नहीं है, असहू औरत देवी के ही रूप होली, चाहे ए देवी के पैर छुई चाहे ई देवी के पैर छुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। रवा मुस्लिम है का? हाँ हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें जो दुर्गा माई के दर्शन करे खातिर रोज आवे नहीं, काहे कि हमरा नजर में जात पात मंदिर मस्जिद कोनो मायने ना रखेला, काहे कि सबके भगवान एक हवन। ऑल द बेस्ट, अभी तो हम बिजी में बानी, रवा से जल्द ही मिलब। गांधी मैदान जाओगे, तुम गोल मार्केट जाओगे, मैं रेलवे स्टेशन देखूंगा। सुल्तान अब तो खेल खत्म, पकड़ साले के तेरी। सुल्तान तोरा कश्मीर चाहिए ना, चल तो के कश्मीर दिखावा देनी। जनाब जनाब सारा मिशन फेल हो गया। अजय काबिल धरा के उठा। अजय अजय अच्छा भैल कि आज हम छुप गए लानी, ना तो वीर सिंह आज हमरा के भी मार देले रहते हैं। सर देखी ना अजय के का हो गेल बा। अजय उठा अजय उठा उठा अजय। सर देखी ना अजय के का हो गेल। अजय अजय उठ उठ अजय उठ अजय उठ। हमारे सारे महाउजुद्दीन मारे गए और सुल्तान पकड़ा गया सो अलग। अगर मेरे भाई सुल्तान को कुछ हुआ तो पूरे हिंदुस्तान को मैं हिला के रख दूंगा। जनाब हिलेगा 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 जरूर हिलेगा, एक दिन पूरा हिंदुस्तान हिलेगा। यहाँ हिंदुस्तान में पाकिस्तान का नारा भी लगेगा, हर जगह पाकिस्तान जिंदाबाद। शबनम तू ये अकेले बैठल बाड़ू, केहू के इंतजार बका? जेकर इंतजार करत रहनी उ सामने बा।
लेकिन पहली बार कोनो लड़का के देख के दिल में घंटी बाजल बा। अच्छा काहे कि तू वो देवी माई के साथ साथ औरत लोग के भी सम्मान करेला, ऐसे हमरा के तोहरा से अच्छा बोला बोला काहे तारा के हमरा से प्यार नहीं के? प्यार तो हमरो होल बा तोहरा से, काहे से कि तहरा नजर में ऊंच नीच धर्म जाति से पहले इंसानियत आवेला, यही से हमरा तोहरा से प्यार होल बा। तो बोलना आई लव यू लेडीज फर्स्ट। आई लव यू सुने के अधिकार लड़की लोग के पहले होला। बोल देना आई लव यू। प्यार तो मऊ कर ले तारा से मगर दिल से आई लव यू जान। यहाँ बैठे हुए आप सभी को नमस्कार, राम राम। आज इस मंच पर सही सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस सम्मान को देने के लिए माननीय तौफीक अली जी आने वाले, अंसारी जी से अनुरोध करूंगा आके माननीय तौफीक अली जी का स्वागत करते हुए जनता को संबोधित करें। हमारे बीच हम सबके अन्नदाता, हम सबके मसीहा, गरीबों के हमदर्द, विकास के सारथी माननीय तौफीक अली जी कुछ ही पलों में हम लोगों के बीच पधार रहे हैं। गली गली में नारा है तौफीक अली हमारा है। हमारे तौफीक अली जी बस आप लोगों के बीच पधार चुके हैं, उनके स्वागत के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। तौफीक अली जिंदाबाद, तौफीक अली जिंदाबाद। तौफीक अली जी पधार चुके हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि जनता को संबोधित करें। नमस्कार। दोस्तों, विकास एकता पार्टी का आपका लाडला विधायक तौफीक अली का आप सबको सलाम नमस्कार। हमारे देश की आन बान शान, हमारे वीर जवानों की शहादत के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, 14 नवंबर को जो यहाँ मुठभेड़ हुई है उसमें हमारे दो सिपाही शहीद हुए हैं। उनकी फैमिली पर जो बीती हम उसे बयां नहीं कर सकते हैं। हम उनके घर के चिराग को तो वापस नहीं ला सकते, पर हमारी विकास एकता पार्टी उनके बच्चों की परवरिश के लिए पूरी जिम्मेदारी उठाएगी और उनके परिवारजनों को 11-11 लाख रुपए से सहयोग करेगी। मैं मरहूम अजय कुमार की पत्नी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। नमस्ते। दोस्तों, हमारा मुल्क वीर सिपाही अजय कुमार की शहादत को कभी नहीं भुला सकता। मैं एसीपी वीर सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इनकी वजह से आज हमारे क्षेत्र में अमन और शांति का माहौल है और हम वीर सिंह जैसे बहादुर सिपाही को सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलना हमारे मजहब के लिए हराम है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि हमने जिस भारत देश
की मिट्टी में जन्म लिया है, जिस मिट्टी ने हमको सब कुछ दिया है, जिस मिट्टी की खुशबू हमारे कण कण में बसी है। ये याद रहे, हम जिस मुल्क में रहते हैं हमेशा हमें उस मुल्क की भलाई के बारे में ही सोचना चाहिए, ना कि मजहब के बारे में। बार बार इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, किसी भी धर्म से पहले, जाति से पहले, मजहब से पहले आता है जो आता है हमारा मुल्क, हमारा देश, फिर उसके बाद कोई जाति, धर्म और मजहब होता है। बस तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा। आइए दोस्तों हमारे साथ मिलकर बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमें सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हेलो, का ये करे जा? अरे हमार धन, का करत बाड़ू? का यार, एगो चुम्मा दे दा। ए यार, तू चुम्मा चाटी करबे या पढ़ाई क्यों करबे? अरे यार, तोरे पास गर्लफ्रेंड है ये नहीं खे, तो तू का जानबा गर्लफ्रेंड में कितना स्वाद बा? रही बात परीक्षा के, तो बाद में देख लेल जाई। अच्छा देवो, तो गर्लफ्रेंड जई है और परीक्षा की डिग्री तो ससुर दई है। व्हाट्सएप फेसबुक पे लागल रहसन, फ्री के सिम लेके बाजल रहसन, कम से कम लव के पढ़ाई के डिग्री तो मिली ना पटवारी? हाँ, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करे के बा तो पढ़ाईयो जरूरी बा, समझा? विक्रम भाई, विक्रम भाई, का भाई? बाजू वाली लड़की फांसी लगा होती है। का? अरे हट, अरे का करत है? अरे उतर, अरे पागल की का करत वाली? आखिर ऐसा का भ गई जेकरा खातिर तू मरे चाहत तारी? हमार पति घरे रोज दारू पी के आवेलन, रोज मारेलन, कल तो हद हो गई, हमरा के 3 बार तलाक कह देलन। अब तू ही बतावा हम का करी जी के, हम मरे के चाहता नहीं। बस अतने से बात पे ते मरे चल दीले? अरे तू तो हमार बहिन जैसन बियारे, तू चिंता मत कर, चल कहाँ रहेला तुहार पति? वाह, कौन है बे तू? मैं पूछता हूँ गीता को, पूछता हूँ कुरान को, दोनों में एक ही बात लिखा है, मदद करो इंसान को। ओ तो फरिश्ता है तू? ना, नारी रक्षक है। तई हाँ, कौन नारी के चीरहरण होत बा कि रक्षा करे आइल बड़े? उहे जकड़ा के तलाक दे के आइल बड़े। हम सच्चा मुसलमान है, एक बार कह देनी ना तना, तलाक दे दिल बानी दोबारा ना अपने। कहाँ तलाक देले बाड़े? पंचायत भवन में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में? बोल, अरे बोल ना। फोन पे 3 बार कहले बानी, समझ ले तलाक हो गई। अरे अफताब भाई, प्यार तक किस्मत वाला के दरवाजा पर दस्तक देवेला, प्यार तक परमात्मा के स्वरूप होला, और कबो परमात्मा के त्याग ना करे के चाहिए। और तनी सोचा, अगर एकरा जगह पर तहार बहिन हुई थी तो तहरा के कैसन लगी? हाँ, अरे अफताब भाई, ये दुनिया में सबसे महाशक्ति नारी होली, और वो कबो नारी के साथ खिलवाड़ ना करे के चाहिए। और ये दुनिया में अगर नारी ना रहती तो ना तू रहता ना हम रहती। जब ही तोहरा से दिल लगवले हुई तो ये सोचले हुई कि ये दुनिया के सारा खुशी तोरा साथ मिली। जब एगो लड़की घर द्वार समाज परिवार सब के छोड़ के जब अपना प्रेमी के साथ निकल जाए, अगर उहे प्रेमी ओकरा के बीच मझधार में छोड़ देवे तो ओकर जिंदगी नरक के समान हो जाला। अरे अवताब भाई, जब दुई दिल प्यार करेला ना तो ओकरा बीच में प्रेम के गंगा बहे के चाही, आंसू के धार ना हो, दोनों हाथ जोड़ के तो हर पाँव पड़ता नहीं, अपना ला हमार बहन, अपना ला भाई। अरे भाई, हमनी दोनों से तहार कोनो रिश्ता नहीं के, तबो हाथ जोड़त बड़े? हमार रिश्ता रुखसार से दिल के बा, हमरा तो तोहार पैर पकड़ के माफी मांगे के चाही। रुखसार, हमरा के माफ कर दा, हमरा से बहुत बड़ गलती हो गई बा। पति के जगह पाँव में ना
दिल में होला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज तू हमरा के जिंदगी जिए के तरीका ही बदल देला। अगर आज तू सही वक्त पर हमारा आँख न खोलता तो हम इंसान के ना शैतान की जिंदगी जीती। ठीक बा, आवा बहिन, ठीक से रहिए जा। मार सारे के इतना कि अगर हड्डी का चूरमा बना दे। मार सारे मार, जितना मारे खोके मार, गीदर के वार से शेर के बरवो नहीं उखड़ेला। बहुत गर्मी बात तोर वर्दी में ना, ढेर देशभक्ति भरल बात तोरा अंदर। वीर सिंह के इन्फॉर्मेशन देखे ते बहुत बड़ गलती कैले। तहरा के पता हो ना हमार कितना आदमी मारल गए, पूरा 10 और हमें से एक बच गए। उस दरवा हमरा खातिर सर दर्द बन गईल बा। अरे सारे हमरा के विश्वास है नहीं होत कि ते अकेले हमार प्लान फेल कर देले। वाह रे तौफीक, ते तो बड़ा दुमुहावा साहब बाड़े रे, जनता के सामने महान नेता और पीठ पीछे देश से गद्दारी। तोरी नकाब जल्दी जनता के सामने ले आई, छोड़म ना छोड़म ना। ते सारे सरकारी तनख्वाह से तोर पेट नहीं भरत रहल, जवन वर्दी बेच के देश के साथ गद्दारी करत आड़े। ए, तारा के जैसे देश से प्यार हो वैसे ही एकरा के पैसा से प्यार हो। ये पैसा खातिर कुछ भी कर सकेला, एकरे नजर में वर्दी के कौनो वैल्यू नहीं की। लेकिन तारा के, तारा नजर में वर्दी तहार शान। वंदे मातरम। देशभक्ति अंदर तक घुसल बा। तौफीक, ई वर्दी ते हमार पहचान बा, हमार जमीर ई सीने में बा। बड़ा तेज दिमाग बा, अपनी कौम के अहिते अपने कौम के साथ दे। अल्लाह ताला तारा की जन्नत अता करिए। अब बहुत वक्त हो मजहब के काम आ जो। अल्लाह ताला सब गुनाह माफ कर दी, एक एक काफिर के हमनी के मिल के इस्लाम कबूल कराइल जाए, जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान पे राज कैलन वैसन हम मुसलमान पूरा हिंदुस्तान पे राज कर जाए। इतिहास बदल जाए हिंदुस्तान की, पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिल जाए। तारा के पाकिस्तान के जनरल बना दिया जाए और मेडल भी मिली। बोल एक बार, बोल पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान का नारा वो लोग लगाते हैं जो अपने अब्बा के रहते हुए अपने पड़ोसी को बाप कहते हैं। लानत बा तुहरे ऊपर, तू चंद रुपए के खातिर मुल्क के तो क्या, तू माँ बहन का भी सौदा कर सकेले। तू इंसान ना शैतान हवे, आतंकवादी हवे, तुम मुस्लिम कौम के नाम पे कलंक है। तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, बोल पाकिस्तान जिंदाबाद, बोल पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मार तौफीक मार, सच्चा मुसलमान हूँ, जब भी मुंह से निकलेगा भारत माता की जय ही निकलेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बंदे।
अफसोस के बात हो कि हमनी के कौम से एक मुसलमान काम हो गई। जानू, अब हम तारा बिना एक पल भी ना जी पाए। पता ना कैसन जादू कर देले बाड़ा। अब तक दो जिस्म एक जान हो के रही। लव यू सो मच। का हो करे जा, का सोचे तरू तू यहाँ कैसे? जहाँ सच्चा प्यार होला वो जहाँ हमेशा प्रेमी मौजूद रहेला। बोली तू हमरा से कितना प्यार करेला? अतना प्यार करेले तू हमरा नस नस में बैठे हुए बाड़ू। ला 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 धंधा में आराम से शामिल हो जाइए। जब से ये वीर सिंह आयल बा हमरा के लागत बाकी कुर्सियों हाथ से जाए और जेलों में सड़े के पड़ी। ये वीर सिंह के कोनो न कोनो इलाज जरूर करे के पड़ी। रउआ लोग शांत रखी भाई, कुछ ना होई। तौफिक भाई कौन मर्ज के दवा बा? अरे कैसे चुप बैठी, हमरा के तो अभी ले मालूम नहीं के चलल वीर सिंह के जानकारी के दहलस। अगर सुल्तान रिहा ना भइल तब वीर सिंह केहू के ना छोड़ी। सही बात बा। अरे चुप करा लोग, ढेर चिचिया मत, मछली बाजार बना रखे का आप लोग? अरे हम किस मर्ज की दवा है? हम कोनो कच्चा खिलाड़ी नहीं है। शतरंज की विशाल सोच समझकर बिछाई जाती है और ये है शतरंज, समझे? चलिए चाय पीजिए आप लोग भी ना। ये सारा खेल सरवा इंकलाब हुसैनवा बिगाड़ देलस। लेकिन भाईजान अनु शर्मा से बच के पुलिस वालन पे ज्यादा भरोसा ना करे के। सरवा कब धोखा दे दी कौनो भरोसा नहीं खे। अरे गुप्ता जी
यही खातिर तो भेज देली सरवा के ऊपर बड़ा देशभक्ति के उबाल मारत रहा ओकरा खून में। बेचारा बड़ा प्यार करता था अपने देश से, इसीलिए तनिको तकलीफ नहीं दिए हम अंसारी भाई, एक ही झटका में शहीद कर दिए हम उसको। हलाल नहीं किए, झटका में गर्दनवा उड़ा दिए। लीजिए पकौड़ा खाइए। बहुत अच्छा भाई। आप भी लीजिए स्वाद इसका। बहुत अच्छा किया भाईजान, बहुत अच्छा। और पांडे जी, और कोनो तकलीफ नहीं ना तुमको? आप सुल्तान का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बुझाइल नो। सुल्तान के जेल से छुड़ावल बहुत जरूरी बा, ना ता वीर सिंह के थर्ड डिग्री से गुंगा शेर भी बोले लागेला। अबे हसमुख पांडे, अरे सुनला ना का, अभी अभी यादव जी ने क्या कहा? तौफीक अली कौन सी मर्ज की दवा है, है? सुल्तान की चिंता मत करो, हम है ना। खाइए खाइए, लीजिए बिस्किट लीजिए। अरे पांडे, हमार कुर्सी का पावर कौने दिन काम आई, हाँ कहो गुप्ता जी, खाइए खाइए। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। बोल। बोल तोरा पीछे कौना कौना कहा था? मैं सच्चा जिहादी हूँ, तू कुछ भी कर ले मेरा मुंह नहीं खुलवा सकता, मैं अपने कौम से गद्दारी नहीं कर सकता। ए, मैं भी एक सच्चा मुसलमान हूँ। कौम क्या होता है जानता भी है तू? कौम वो होता है जो अपने लोगों और अपने सरजमी के लिए काम आए। अरे तू तो वो आतंकवादी है जो कुरान पढ़ना तो दूर की बात है, उससे हाथ भी लगाया है। पांडे जी। जी सर। इसका टॉर्चर बढ़ाइए आप लोग। पांडे जी। हाँ। ये ऐसे ना मानी। ठीक कह रहे हैं। ऐसे ना मानी। ये तो साला बेहोश हो गए, चलो बाद में देखते हैं। बेटा बढ़िया से पढ़ी है, माई के तंग उंग मत करी है बाबू, ठीक बा? समय से स्कूल जात रही है, समझला नू? और आपन ख्याल रखी है, तनिको चिंता मत करी है। तोहार अब बबुआ के हमरा बड़ी याद आई, हम चलो तनी। बाय बाय, टाटा। कौन है रे? ओह, वो दिन सपने में बड़ा किस देत रला, चल आज दा। हे, तू क्या बारू? काय सलीले से बात करते रहो? तारा के तम चिंतो नहीं खे, तारा पता नहीं खे कि पुलिस अफसर से कैसे बात कर जला। जल्दी रास्ता पर से गाड़ी हटावा, तू हो जेल में जाइबू और तोहर गाड़ी हो जेल में जाई। इससे ज्यादा डिस्टर्ब मत कराओ, रास्ता छोड़ दो। अच्छा, तुम्हारे दोस्त प्यार में बड़ा कच्चा बड़न, चलो कोनो बात नहीं खे, एगो काम करा। हाय ओढ़नी ओढ़ के गो किस देता? यू शट अप, फालतू का टाइम मत लाओ और रास्ता छोड़ा। बबुआ सुना, तू अपन केस के खुद सॉल्व कर लिया, हम चलत बानी। अरे ना भैया, हम चलते नहीं, आपको छोड़ दे। भैया ना बबुआ, हम चल जाए। अरे बड़ी परेशानी हुई आपके जाए में। अरे बबुआ, सामने बस स्टैंड दिखाई देता, हम चल जाए। ठीक बबुआ, प्रणाम। खुश रह बबुआ, खुश रह। और सुना, घर परिवार के भी हालचाल लेत रही है? जी जी। और हाँ, खास करके विक्रम के फोन से हालचाल लेत रही है। जाकर पहुँच के फोन करो भैया। ठीक बा बबुआ। ई के रहले? ई ये हमारे बड़ भैया है, और कबे से तू फालतू फालतू का बोलत रहू बबुआ? हाँ, एगो बात कल हम भूल गई नी। हाँ का जी? ई तहार पसंद बहुत सुंदर बा। जा लव के गीत गाव। अब तो चुम्मा दे दा। धत पागल। हाँ
देखी ना भाभी, हम भैया से मिले खातिर कतना जल्दी जल्दी करके आईनी हा। आप भैया भी ना। अच्छा अच्छा, कोनो बात नहीं के, चली रहुआ नहाली, हम खाना लेके आवत नी। ठीक बा भाभी। ओ। अरे भैया। अरे विक्रम। नाम भैया। अरे दुबरा के तू काट लिखा हो गई बड़े हाथ पियत ना रही इसका। भैया खाना तो खात रहनी है, बाकी पियत ना रहनी है। भाभी एगो काम करा। हाँ। सबसे पहले के ले जा और बढ़िया से खियाओ पियाओ और ध्यान दे कर आपो थनी दुबला हो गई बा। चली बाबूआ। ठीक बा भैया। हाँ जा। हेलो। साके उठा ले ले हो। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं कौन बनेगा करोड़पति से? क्या रुस्ता जी हैं? हेलो सर, सलाम सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। और सर आपने खुदा गवाह में क्या एक्टिंग की है सर। माशाल्लाह। और तो और सर, वो आपका गाना है ना, यारी है ईमान मेरा। माफ करिएगा मोहतरमा, रुस्ता जी की सहेली हॉट सीट पे बैठी है। हाँ? उनसे जल्दी बात करवाइए, समय बहुत कम है। कराती हूँ सर, कराती हूँ। रुष्दा, ओ रुष्दा, तोरा खाते कौन बनेगा करोड़पति से फोन आई बा। हेलो सर, सर आप शोले में ना सर, क्या लग रहे थे सर, क्या लग रहे थे। रुष्दा जी आ गए क्या? नहीं सर, सर सर आप ना सर प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, सर डॉन फिल्म का एक डायलॉग सुना सकते हैं सर प्लीज। हेलो हेलो रुष्दा जी, मैं कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। हमारे पास समय बहुत कम है,
ये रहा आपका सवाल। आज आप अपने ऑप्शन है ये, ए सिटी मॉल, बी लॉर्ड्स पार्क, सी जुबली पार्क, या डी सिनेमा रूम। सर अभी तो मैं इस सब्जेक्ट की पढ़ाई चालू की हूँ। अरे पगली, विक्रम सिंह बोला था नहीं। दीदी कैसे फोनवा उठा ले लस हो? सर सर ऑप्शन याद आ गई सर, ऑप्शन बी सर। ठीक बा तो लवर्स पार्क आ जाइए। ओके क्या पूछ रहे? ऑप्शन सही हो गई, हम जीत गए। अरे वाह या 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 अमिताभ बच्चन, हाय। अरे संभाल के। सॉरी भैया। अरे आज बहुत खुश बड़े थे। कुछ ना भैया। हो मजा मिलल ना। बहुत आज तो तू साफा पूरा लगतर ई बात बा भैया। ये आज का फोन है, जरूरी बात करके आओ। ला दे ली। नल चालू कर। बोल रियाज को लड़का के साथ में घूमत बा। ओकर इतनी हिम्मत कि हमरा बहन के साथ उठा के ले आओ सारे के। जी भाईजान। ढेर आसकी चढ़ल बा, काट दे सारे। हाँ आशिक हई हमे का, ई हई हमार दीवानी, चाहे जितना जोड़ लगा ला
अब टूटी नहीं प्रेम कहानी। जी भैया। भाईजान आजकल कड़की बहुत चलाता। ठीक बात दरोगा, अब ही हम तार कड़की दूर करता नहीं। जी इकबाल ली भैया उठा ले। जी मालिक। धन्यवाद मालिक, हम चलाता नहीं। खुदा हाफिज दरोगा। जी भाईजान काम में कोनो कमी ना होखे के चाही, बुझाइल नू। हाँ भाईजान, हमरा राते कोनो गड़बड़ भेल बका, काम हो जाए रहुआ के। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इकबाल। जी भाई। चुनाव भी कपारे पे आ गेल बा, जनता के पैसा से खरीद ले। जी भैया चिंता ना करी, हर घर में पैसा पहुंच जाए भाई। हाँ नोट और गोली बराबर चले के चाहिए। जी भैया याद रखिया ये लोग। जोड़ के सलाम करत आनी भाईजान। वाह बहुत खूब, तोर हिम्मत के दांत देवे के पड़ी। शेर के घर में डाका डाल के शेर के ही सलामी ठोकता रे। डाका डालल लुटेरा के काम हो, हमरे जैसन कौनो दिलवाला के ना। लड़ावे लगले हाँ? मारे के बाद हम के मारी। चोट लगे करा के तो दर्द करा होला। सारे भाईजान इनका के छोड़ दी, खुदा के वास्ते भाईजान छोड़ दी। हे में इनकर कोनो गलती नहीं के। छोड़ दी भाईजान, छोड़ दी भाई। चलो कारी, हमारी इज्जत माटी में मिला दे ले। तारा की ये हिंदू लड़का मिला लालका प्यार करे खातिर, हमनी के कौम में मुसलमान लड़का मर गए बड़े का। खुदा तारा के कबो खुशी आता ना करी। दिल के का मालूम कि हिंदू बाकी मुसलमान। दिल के रिश्ता तो अल्लाह से जुड़ल बा भाईजान, ये में फर्क का बा। बा फर्क बा, हमने के दोनों के अलग अलग मजहब बा, अल्लाह और भगवान अलग बाड़े, तो हमने के एक कैसे हो सकीला? बोल कैसे एक हो सकीला? भैया रउआ गलत फहमी में बाने, रउआ हमके ही बताई ये दुनिया में सूरज कितना बा, चांद कितना बा बस एके ना, धरती कितना बा बस एके ना, आसमान कितना बा बस एके ना। रउआ हमके ही बताई सूरज चांद धरती आसमान ये हिंदू के बाकी मुसलमान के का रउआ बता सकेला? तो बताई हमके।
अल्लाह खाली इंसान बनवले बा भैया, जात पात ना, जात पात ता हमनी रौरा बनवनी भाईजान, ना केहू हिंदू बा ना केहू मुसलमान, हमनी के इंसान नहीं जा भाईजान, इंसान। अब हम ही के कुछ खेला खेले के पड़ी। बहुत खो हिंदू लड़का के प्यार में पड़ के हमार बहिन ता सत्संगी हो गेल रे, हां एकरा विचार में ता गंगा सागर बा रहल बा। अरे पगली, हम ता प्यार के परीक्षा लेत रहली और तू दोनों लोग वो परीक्षा में पास हो गेला। आजे भैया। जा बाबू, शादी तोहार हुई, रुस्दा का निकाह तारा से ही हुई, लेकिन बाबू तू ये नइखे बतौला की तहार नाम का हो? जी विक्रम सिंह। अच्छा, आ घर परिवार में क्या हो? दो बड़ भाई, एक भाभी और एक भतीजा। खा करेला भाई लोग? बड़ भैया फौजी हवन और दूसर का भैया इस शहर के एसपी बाड़े। एसपी वीर सिंह जी। वाह बहुत खूब, अरे हमार तो सौभाग्य हो कि एसपी वीर सिंह के हिया हमार बहिन के डोली जाई। अरे बाबू पहले बतावे के रहल हैं, जा तू निश्चिंत रहा, हम रुस्ता के निकाह तारा साथे ही करब, ये हमार वादा हो। भैया हम तो सोचत रहनी कि नेता लोग खाली राजनीति करेला, बाकी रउआ के तर रोम रोम में प्रेम के नीति भरल बा। चला तानी भैया प्रणाम। खुश रहा बाबू खुश रहा। चला तानी शबनम जी भैया, रुस्दा के अंदर लेके जो जो बेटा। इकबाल जी भैया चल दरवाजा खोल। सुना लोगन, तू लोगन से जरूरी बात करेंगे बा, आओ लो। आओ आओ महारथी, दरवाजा पे काहे खड़ा बड़ा, अंदर आओ लोग। मार खा के आ गेला, मार खा के आ गेला, हमारी इज्जत माटी में मिला देला लोग, हट ना कारा कहीं का। एक दो पिल्ला ऐसे भी हमार धंधा खराब करे में लगल बा, ऊपर से उकर छोट भाई हमरा इज्जत के साथ खिलवाड़ करे के हिम्मत कैलस। भाईजान बोले तो करे के ठोक दी। ठोक दी बे, मार खा के तो आ गेले सारे और हमरा सामने बहादुरी दिखावा तारे। अब बस लोहा के लोहा से जैसे काटल जाला वैसे ही प्यार के प्यार से तोड़ल जाई। हे जी भाईजान, अजीत वर्मा के फोन लगाओ। जी भाईजान। हेलो भाईजान, रउआ से बात करे के चाहता नहीं। वर्मा सर, सारे हथकंडे अपना लिए, बताने को तैयार नहीं है। सर आप बेफिक्र रहिए, इसका मुंह मैं खुलवा लूंगा। शर्मा जी एक और नमक छीटा दीजिए। बता पांडे जी, ये बताई ऐसे ना बताई, ये बताई वीर सिंह के टॉर्चर के बाद मुर्दा भी बोलेगा। इतना दिल से प्यार करता रहा, शादी उदी करे की रहता बाकी ना। शादी और तोहरा से काहे, हमरा में कोनो कमी बा? अरे ना भाई कमी नहीं है, मगर ई बतेबू कि तोहरा घर में के बा। हमरा घर में हमारे को बहन भी और रिश्ता और हमार रजियापा बड़ी जे हमार अम्मी के गैला के बाद हमने के पाल पोस के बढ़ के ले बड़ी। बस दुई आदमी? ना ना, हमारे को बड़ भैया भी बड़े जे हमरा के अब्बा जान की तरह पाल पोस के बड़ा केले बड़े। तौफीक अली विधायक हुआ ना हमार भैया। तौफीक अली? अरे
हमारा बारे में तो सब जान लाला, अपना बारे में तो बतावा। हमारा घर में बड़े भैया सत्य प्रकाश जो आर्मी में बाड़े और भाभी बाड़ी और एगो छोट भतीजा बा हाँ? और एगो छोटा भाई हमर विक्रम बा। अरे वीर भैया वो भी लड़की के साथ लागत मस्ती करत बाड़े भक्त वो हमार दीदी ही या सपनम। अच्छा मतलब हमनी दुनू के बारात तोरे घरे जाई। चुप चुप सुन ले चलो। अब हमरा कोनो दुख नहीं क्या? अब हमरा माई बाबू के प्यार, भैया भौजी के प्यार, देवर के प्यार सब कुछ मिले। का भाई? कुछ ना, चला एगो काम याद आ गुल तो के घर छोड़ दी। चला तू घरे आवा तो हर मोबाइल बंद कर ले छोड़ावा तनी। का बात बा? इतना टेंशन में काहे बानी? तनी हमरो केते बताई। टेंशन में बानी हम? रोवा सुनम तो रोवा टेंशन में हो जाए। अच्छा ऐसन बात बा, बताई दी। विक्रमा पढ़ाई लिखाई नहीं करत, छोकरी बाजी करत हो। हाय राम, एकरा मतलब उनका कोनो लड़की से प्यार हो गइल बा? आउ लड़कीया का करतिया? ऊ का करी, प्यार के लिए बात शादी करके पड़ी और का करी फिर? रउआ तो अपन ब्याह करत नहीं तो उनकरे ना ब्याह करे के पड़ी। हाय अब हमरा देवर के ब्याह होई, रउआ बैठी हम मिठाई लेके आवत नहीं। आओ तू घरे, तोरा प्यार के भूत झारही के पड़ी हमरा। वीर सिंह के भाई ये रास्ता से जाला सर। ठीक बा, आज ओकरा के रोके पड़ी हमनी के। ए रुक रुक रुक, कहाँ जाइन सर? बैग में कहाँ है सर? कुछ नहीं के, खाली किताब बा सर। ही का बदतमीजी बा सर, हम कहनी ना कुछ नहीं के, खाली किताब बा। जी सर, बैग चेक कराएगा सर। ये बहुत गलत बात, पुलिस वाले से ज्यादा बकबक ना करे के, बुझाइल लो। ई ले सर। अरे ये तो ड्रग्स है, ते का हाथ रहले किताब बा? सर हमके नहीं के मालूम है हमारा बैग में कैसे आयल सर। सर विश्वास करी सर। ए कितना दिन से धंधा करत बाड़े सर? हम एसपी वीर सिंह के भाई हैं सर। सर हमके का जरूरत है ड्रग्स के धंधा करे के सर? हां हमरा के मालूम बा तू एसपी वीर सिंह का भाई हवा, त का ड्रग्स बेचबे? नहीं सर। फोटो खींच कर हमर बात सुन ले चले करा के। हां बोल दो रोगा भाईजान, आपके कहले के अनुसार हम आरएस के लेले बानी। शाबाश हमार प्यारा दरोगा। ओकरा बैग में ड्रग्स रखवा के ऐसन केस लगवाई कि जिंदगी भर जेलिए में सड़ी। बहुत खूब दरोगा, अभी मजनू के औलाद पूरा जिंदगी जेलिए में बुढ़ा जाई। बड़ा अच्छा काम के लिए बने। घरे आके अपन इनाम ले जो, चल फोन रख। शुक्रिया भाईजान। हिसाब हो गई। जी मालिक। एक काम कर, पट्टा पे जाके वही जो के हिसाब का किया हो। ठीक बा। भाईजान अब ही बच्चन के निकाह की उम्र नहीं। हम देख ले। जी रजिया। जी भाईजान। रुस्ता के भेज दे। ठीक बा, भेजा तानी। बबुआ चाय पी ले। मुन्नी के भाभी। अच्छा एक काम करी, चाय पी के नीचे आ जाए। ठीक बा। ठीक है जा। जी भाई जान, रौरा बुलावनी है का?
अरे रुजदा हमार बहिन आ बैठ। हाँ, का भइल भाई जान? आज हम तारा के एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर पढ़ावे चाहता नी। कैसन खबर? देख अखबार में छपल बा, लेकिन ते खुद पढ़। ना हमार विक्रम ऐसा नहीं कर सकत। कारे बहुत नाज रहल तारा के तारा विक्रम पर। तारा के कितना बार समझौनी कि हिंदू लड़का से प्यार मत कर, लेकिन तारा कपारे बेटा प्यार के भूत सवार रहल। ऐसा नहीं क्या हो सकत? अरे तो अखबार में झूठ लिखल बा। अखबार में झूठ छपल बा। लग गई तीर निशाना पे। कहाँ फंस गई नहीं यार। ये सब का है? दो दिन पहले तो घूम के अलिस भैया, रो मत, तोर केस के छानबीन हम करब। बीस लाख? अरे टोनी के हो रे है? भाईजान टोनी ठेकेदार है। एकर 20 लाख बकाया हो, काहे न मंगले एकरा से? ये ठेकेदारवा रोज आजकल लगैले हो। तो सरवा के उठा के लाके भट्ठा में काहे ना डाल देले? बाकी सब हम देख लेती। ये सब समझावे के पड़ी तारा के? अरे साहब आई बैठी है एसपी साहब। हाँ तो भी कले हमरा के ये काहे बोलोला? अरे साहब जनता के सेवक हई, तहार सेवा करे खातिर बोलौले बानी। सेवा करल हमार कर्तव्य। तो फिर हमरो के सेवा का मौका दा? अरे तो समझ ली कि सेवा का मौका मिल गईल रउआ के। तो हुकुम करी। देखिए साहब हम यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलाए हैं। क्या है कि सुल्तान के केस से अपना हाथ खींच लीजिए, बेमतलब आप उस केस में उलझ रहे हैं। देखिए उस केस में अब कोई दम नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए तो एकदम खुल के बोलिए, हम देंगे आप। ठीक है साहब, आप हमारे साथ एक बार हाथ तो मिला के देखिए। खुदा कसम सोने का महल बनवा दूंगा, ये तौफीक अली का वादा है। साहब एक बात तो कहना भूल ही गए हम, आपका भाई गुनेगार नहीं है। उसको तो हमने ही फंसाया है साहब। लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं साहब, क्योंकि सबूत तो हमारे पास है। अब आप ही बताइए, जनता ने हमें भारी बहुमत से जीता के एमएलए बना दे ले बा, अब एक घर का मतलब कि हम चली जनता का सेवा करी? अगर हम उनका सेवा करेंगे साहब तो रुपया कहां से कमाएंगे, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? देखिए साहब कुर्सी रउओ के मिलल बा और कुर्सी हम होके मिलल बा। भैया हम तो अपना कुर्सी के भरपूर फायदा उठा रहल बानी और रउओ अपना कुर्सी का पूरा फायदा उठाए और खूब मजा करे। अरे साहब क्या रखा है, थोड़ा सा इस वर्दी के साथ गद्दारी। ए, रुक जा, गनीचे। ये बात ठीक नहीं है। इजोन तुर जनता का भीख में दिहल खा दिया। हम रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करके वर्दी पहले बानी और अपना देश और वर्दी से गद्दारी ना कर सकता नहीं। और ते का कहले हा कि सुल्तान के केस में दम नहीं खे? सुल्तान के तकेस में इतना दम बा कि तुर कहानी में इंटरेस्ट आ गई। इकबाल जी भैया, लाहौर फोन लगा। ठीक बा भाईजान। सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। एसीपी वीर सिंह का भाई सत्य प्रकाश भारतीय सेना में है।
उसके शरीर के इतने टुकड़े करो कि कोई पहचान ना सके। अल्लाह। बनवारी। जी उस्ताद। जल्दी जल्दी माल भर। जी भाई। भाई का ऑर्डर है। जी भाई, भाई। सवेरे माल भेजे का बा। जी भाई। ओके भाई। पकड़ ले सब कहे बताओ सारे तू के रखा दी काम कर लीस। प्यार से पूछा तो नहीं नाम बताओ। अगर हम नाम बता दे तो वो लोग हमरा के ना छोड़ी है। ओकरा पहले हम तोरा के ना छोड़ो। तो ओकर नाम तौफीक अली। सारे तौफीक अली तोरा के हम देख ले। उदित नारायण तारा लड़का के एडमिशन हो गए नू? जी भाई रुआ दुआ से हो गए। अच्छा कौनो बात नहीं की। और दादी का क्या समस्या हो इकबाल? भाईजान इनका वृद्धा पेंशन रुक गई बा, ये पर साइन कर दी। अरे तो प्रधान के फोन कर देवे के रहल। ल हो गइल ठीक बा। और तहार का समस्या हो मुन्ना? भैया हम युवा लोगों के खातिर अपने इलाके में फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, रहुआ करवा देती तो बड़ी मेहरबानी। नोट काला हो। जी भाईजान। धन्यवाद भैया। युवा ही तो हमारा देश के शान हो। तहार का समस्या हो भरत? तनी ई कागजवा पे साइन कर दी। ला धन्यवाद साहब। बीमा? जी सरकार। हमरा जमीन के फैसला अब ले नहीं खे भाई, कुछ करी सरकार। ठीक बा लिखाओ। दादा कोनो तकलीफ तो ना? सरकार कल पुलिस वाला हमारे लड़का का उठा के ले गेल बा, हम यही खातिर राउर के पास आयल बानी। अच्छा तहार लड़का कोनो गलती तो नहीं खे कहले नू? ना ना हमारे लड़का अच्छा? के गलती कोनो नहीं खे। चलो ठीक बा हम देखा तानी। हेलो कौन? दरोगा जी। तौफीक अली बोला तानी। बोली भाईजान। राम नारायण के लड़का का ना हो? किशनवा। किशनवा के पकड़ ले ले बड़ा, ओकर कोनो गलती नहीं खे। वो तो ना छूटी सरकार, ओकर बहुत बड़ा केस बा। हम जितना कहा तानी उतना करा दरोगा, छोड़ दा ओकरा के। काका तारा घरे पहुंचे से पहले तार लड़का पहुंच जाई ठीक बानू? तहार का समस्या हो? ठीक बात जाने। नमस्ते। हाँ नमस्ते। आए आए एसीपी साहब, तौफीक अली के घर में राउर स्वागत बा। तौफीक अली स्वागत करावे ना? तोहर स्वागत करे आइल बानी। यू आर अंडर अरेस्ट। एसीपी शायद तारा के मालूम नहीं के यद कड़ी केकरा के पहनाव तारा। जनता के सेवा खाई, जनता के सेवा बुझाइल नू? वक्त कम बा और काम ज्यादा करे। रुक जा। वाह एसपी साहब वाह। रहुआ हथकड़ी पहना एक बाना, हमरा के हथकड़ी पहनाई ली। तुम्हारा क्या कसूर है कि तुम्हें गिरफ्तार करो? हमार कसूर ई बा कि हम तारा से प्यार करें। तू जान तारा तू केकरा के हथकड़ी पहनाई आइल बाड़ा? हमरा भैया के, जिनका के ई पूरा लोग माला चढ़ावेला पूजेला, और ई लोग हमरा भैया के भगवान से भी बढ़ के मानेला, और तू हमरा भाईजान को पर आरोप लगाओ तारा? जिसको तुम भगवान समझती हो बहुत बड़ा शैतान है। इस शैतान के साजिश के चलते मेरा भाईया जेल में है। ये देश द्रोही है। ये कितने मासूमों का जान लिया है तुमको पता है? खबरदार हमरा भाईजान के बारे में एक शब्द भी और बोल देना ना, तो हम ही भूल जाएं कि हम तरह से प्यार करें। तुम मुझे भूल जाओ मगर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। बस इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चलता हूं तुम्हारे थाने में। चलो आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद तौफीक भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद तौफीक भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद तौफीक भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद तौफीक भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। शांत हो जाइए, पुलिस शांत हो जाइए आप लोग। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद।
लोगों से हाथ जोड़ के विनती करा तानी कि कानून के अपन काम करे दे। सुन लीजिए आप लोग कानून का हाथ में मत लीजिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एसपी साहब, भैया को ले जाने के लिए हमारे लाशों से गुजरना पड़ेगा, हम इनको नहीं ले जाने देंगे। देख लेला एसपी साहब, यह हमार जनता के पावर, भलाई तहार ही में हो, हमरा के छोड़ के चल जा, ना तो हमारे एक इशारा पे तारा वर्दी के चिथड़ा उड़ जाए, बुझाइल नू। पुलिस प्रशासन जी, रउआ तो ओहिजा लड़त नहीं, एहिजा के लड़ी। अरे तू बतावो ना, का भेल तहरा? ना, पहले रउआ ई बताई कि कब आवत नहीं। का तोहरा कोनो जरूरी काम बा का? जरूरी बा तबे ना बुलावत नहीं। नाराज मत होखा, काल है गाड़ी धक के चलावत नहीं, अब तो खुश बड़। साचो? हाँ साचो, तू सज धज के तैयार हो जाइ कि हम तहरा के देखी तो हम मदहोश हो जाए। हम आवत नहीं, ठीक बा? ठीक बा। विक्रम, रुस्ता, हम कुछो ना कहले हैं, हम सच कहता नहीं, हमके फसावल गइल बा, हमर विश्वास कर। तू इतना चुप का है बारू, रुस्ता बोला, बोला ना। बहुत परेशान करत रहनी ना हम तोहरा के, लेकिन अब ना करम, काहे कि हम तोहरा से बहुते दूर जात बानी। हम तोरा साथे अपन जिंदगी नहीं बिता सकत, अब हम तोरा साथे कबो ना रहब। रुस्ता, हमर बात तो सुना रुस्ता। सबनम, हम जानते नहीं कि तू हमरा से नाराज बाड़ू, मगर यार हमारे फर्ज बा, अपना ड्यूटी के साथ हम कैसे गदारी कर सकीला। और तोहरा पता नहीं है कि तोहर भाई कितना बड़ा देशद्रोही है, शायद तोहरा ही पता ना हो। हेलो, अरे तू चुप का है बाड़ू, बोलत काहे नहीं? तू दोनों भाई मिलके हमने दोनों भाई इनके जिंदगी पर बात कर दी ला, बोले खाती खुश लेके रह गई, फोन रखा, सब कुछ खत्म हो गई, हम तारा के भुला दिले वानी। प्यार तो हम कर ले तुम्हारा से, मगर दिल से आई लव यू जान। आई लव यू टू। पागल हमके धोखा मिलल बा, प्यार में हमके आंसू,
बदलते नहीं, लोग बदलते नहीं, किस्मत बदल जाती है। चंद मुसीबत आने पे लड़कियां दिल तोड़ जाती है। बेवफा नहीं बानी कहिले कसम से, तोड़ दिहलु दिल नाता जोड़ दिहलु गम से। जी कैसे जान बेवफा बन गई, जी कैसे जान बेवफा बन गई। दिल के हाँ दिल के अदालत में आंसू गवाह बन गई। दिल के अदालत में आंसू गवाह बन गई। सन सितम आइल हमरा परिवार में, के कर नजरिया लागल हमनी के प्यार में। अपनों ने दिया है धोखा, अपनों ने दिया है धोखा, गैरों में शिकायत क्या, दोस्तों ने खंजर मारा, दुश्मन की जरूरत क्या। कहीं के न छोड़ा ना तो दुनिया जहान में, आगिया लगवला कहे आज हम आप लोगों को एक विशेष जानकारी के लिए बुलाया है। सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं। सुल्तान को रिहा करने की तैयारी करो। एक आतंकी के लिए 5 आदमी को कुर्बान नहीं कर सकते। हाँ हाँ सर, यही तो हम भी कहना चाहते थे कि सुल्तान को छोड़ दिया जाए। आपने तो सर हमारी मुंह की बात छीन ली जी। है ना सर, ये आप क्या कह रहे हैं? कब तक कुत्ते और बिल्ली का हम लोग खेल खेलते रहेंगे? आज इसको रिहा कर देंगे तो क्या अपराध करना छोड़ देगा? हम हिंदुस्तानियों को ये लोग बेवकूफ समझेगा? आज 5 को अगवा किया है, कल 10 को करेगा। कुत्ते को कितना भी मांस खिलाइएगा, वो हड्डी चाटना नहीं छोड़ेगा सर। सर हमारे 5 जवान आतंकियों के गिरफ्त में हैं, जिसमें से वीर सिंह का बड़ा भाई सतप्रकाश भी है। अब छोड़ना तो पड़ेगा ही ना सर। वीर सिंह, एक सुल्तान के लिए 5 भाइयों को कुर्बान कर सकते हैं? हमें पता है सर, वो 4 में मेरा बड़ा भाई भी है सर, गिरफ्त किया है लोग। इस मुल्क के लिए भाई क्या, पूरे परिवार खुद को मैं कुर्बान कर सकता हूँ सर, लेकिन सुल्तान को नहीं छोड़ सकता सर। लेकिन सर अगर हम सुल्तान को नहीं छोड़े बस तो... बस फैसला हो चुका है, सुल्तान को नहीं छोड़ा जा सकता है। सर अब रोवा मत बेटा, सब ठीक हो जाए। कर दी है बेटा, मत रो। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब सुल्तान की जान खतरे में है, सुल्तान को रिहा कराना मुमकिन ही नहीं।
नामुमकिन है। अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। हमारी कुर्सी खतरे में है। याद रहे जनाब, अगर हम खतरे में पड़ गए तो आप भी। समझ रहे हैं ना आप हम क्या कहना चाह रहे हैं? तुम जश्न मनाने की तैयारी करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारी सरकार के पास संदेश भेज रहा हूँ। बहुत खूब, यही मैं उम्मीद करता हूँ। अल्लाह हाफिज। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। तुम हिंदुस्तानियों के पास दिल तो है लेकिन दिमाग नहीं। तुम लोग सोचते बहुत हो लेकिन करते कुछ नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम्हारे सरकार ने हमारे एक आदमी को रखा है, बदले में हमने पांच रखे। हम कहते हैं इसीलिए कि तुम एक मारोगे हम पांच मारेंगे। हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा वो लोग लगाते हैं जो अपने अब्बा के होते हुए भी पड़ोसी को अपना बाप कहते हैं। चल भाग पाकिस्तानी। अभी दिखाता हूं तुझे पाकिस्तान की औकात क्या है। ईका भाई, हे भगवान, हे भगवान। इन सब को मार के इनकी लाश हिंदुस्तान भेज दो, पाकिस्तान की मोहर लगा के। आई एम तिवारी, सत्य प्रकाश जी देश के लिए शहीद हो गए। ऐसे ना हो सके ना। ए जी उठी ना, रहुआ तक काले रहने की सुनो श्रृंगार करके रहिया। हाय देखिए हम सुनो श्रृंगार कैले बनी, हाथ में मेहंदी लगोले बनी, चूड़ी पहनले बनी, बिंदिया भी लगोले बनी और पाँव में पायल भी पहनले बनी। उड़े ने कुछ बोलत गए नहीं की। विक्रम, करण, तू यहाँ का बात बा? विक्रम, अब सत्य प्रकाश भैया ना रहा। भैया का हो गई, कैसे हो गई भैया? तोर हक नहीं खेल जावे के, तू एगो जेल से भागल मुजरिम है। ना भैया, हम मुजरिम नहीं की, रउआ के सच्चाई के मालूम नहीं के। हम बताओ तनी सच्चाई। जब तक तोरा बारे में गवाह के बयान ना हो जाए तब तक तू हिरासत में रहबे। भैया हमरा के खाली 24 घंटा के मोहल्ला दे दी,
रघुआ आगे सबूत गवाह सब बयान पेश कर दे। तोरी काम ना हो, ई काम कानून के हो। तो ठीक बा भैया, रघुआ अपन कानून के काम करी, हमरा के का करे के बा उ हम करब। तू दोनों काहे लड़त रहा, अपन जिम्मेदारी संभाले की कोशिश करा, तू दोनों मत लड़ा भाई। रजिया का भाई? कुछ नहीं के भाई, शबनम, रुस्ता, हम जानत बानी बहन कि तू दोनों के दिल पे कितना बड़ा चोट लागल बा, लेकिन तू लोग बेकर मत करा, हम जाके तोहनी के खुशी खातिर ओकरा सामने हाथ जोड़ब, गिड़गिड़ाई, भीख मांगब, अपना बहन के खुशी के खातिर हम कुछ भी कर सकीला। रो मत बहन, रो मत भैया, हमारे ये मन नहीं के लागत। हाँ भैया, हमरो मन नहीं के लागत। यही दिन के ते इंतजार रहा, चिंता मत करा लो, अब ही तार भाई जिंदा हो। रो मत, अपना खून अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। वीर सिंह तू तो गया। नाश्ता उस्ता मिली? पहले रवा हमरा एगो बात की जवाब दी। बोला तुहार अपुआ के हमरा बड़ी याद आई, हम चलत नहीं, बाय बाय। जरार अब्दुल मक्की। ये जरार अब्दुल मक्की कौन है? मेरा हक्का। कहाँ रहता है? कश्मीर की घाटी में। किसके कहने पे ये काम करता था? तौफीक अली। अरे सर भाई, तो सब कुछ बोला था, हमारा बारे में तो नहीं बोल दे। हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा। हेलो सर, सुल्तान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन एसपी वीर सिंह ने आके उसकी जान ले ली। थैंक यू सर। जनाब मक्की, समाज के सामने जब हमारी असलियत के बारे में पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान में आतंकवादियों को बढ़ावा हम दे रहे हैं, आपका छोटा भाई सुल्तान भी मारा गया, जिसका हमें बड़ा गम है। गम तो हमें भी बहुत है तौफीक मियां, लेकिन हमारा भाई कौम के लिए कुर्बान हुआ है, अल्लाह उसे जन्नत बख्श दे। खैर, अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है? जनाब, यहां हिंदुस्तान में हमारी कुर्सी खतरे में है, अब लगता है जान भी जाएगी। नहीं, हिंदुस्तान में अब रुकने से कोई फायदा नहीं। अब आप कहना क्या चाहते हो तौफीक मियां? हम सबकी भलाई इसी में है कि आपके साथ हम पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊं। मामला तो बहुत नाजुक है तौफीक मियां, लेकिन हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, तो मैं अपने पूरे परिवार को लेकर चलता हूं, यहां किसी भी समय पुलिस आ सकती है। इकबाल जी भाई जान, तैयारी कर। शबनम,
रुजदा तू लोग ऐजा, हम पूरा घर छान मान ली और तू लोग छत पे। देख बहन, तू लोग कहले रहलू ना कि हमार भाई मनेजर नहीं खेला गया, तो हम सोचनी कि तू लोगन के हम कुछ दिन खातिर पाकिस्तान घुमा लाए। चल जल्दी कर पैकिंग कला, चल आजो। अच्छा हा? अरे का भाई, हमने दोनों कहीं ना जाए। तू एक आतंकवादी हवा, तू एक देशद्रोही हवा, तुहार सारा कारनामा रजियाबा हमनी के बता चुकल बाड़। छी भाई जान, तू बोल खाते इतना नीचे गिर जाएगा तू अपना देश से गद्दारी करता रहा, अपना हिंदुस्तान से गद्दारी करता रहा। खुदा तो के कब मुआफ ना करी भाई जान, कब मुआफ ना करी। हाँ हाँ, तू इंसान ना शैतान हवा, देशद्रोही हवा। जब तू दोनों के हमार असलियत पता चल गेल बा, तो अब हमार शैतानियत देख। तू दोनों के हमरा साथे पाकिस्तान जाए के पड़ी। हमने दोनों अपन देश छोड़ के, अपन हिंदुस्तान छोड़ के कहीं ना जाए। देखा तानी कैसे ना चल, चल चल। रुक जा तौफीक। रजा पागल हो गए बड़े खाते। हाँ हाँ, हम पागल हो गए हैं। अरे हम ये बच्चे इनके बचपन से पाल पोस के बड़ा कहले हैं। हम एक दिन के तो के कहीं ना ले जा दे। अरे तौफीक, अल्लाह ताला तोरा के का कमी कहले रहे कि तू इतना नीचे गिर गई ले। अरे तौफीक, डायन भी साथ घर छोड़ के डाका डाले ली, तू तो अपने ही देश के साथ गद्दारी कर दे ले। अब तो पाकिस्तान ना जा सकेले, अब अगर पाकिस्तान जाए तो खाली तोर लाश जाए। ए, गोली मत चलाइए रजिया। बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। तौफीक देर न करो, चल चल चल। तौफीक यहाँ क्यों लेके आए हो? जनाब बस थोड़ा सा भट्टे का काम रह गया, बस आ रहा हूँ। अरे तारा के तर सलाखों के पीछे डलवा दे ले राली, कैसे छूट के आगे लेते। सच्चाई का कौन ज्यादा दिन खातिर कैद करके ना रख सकेला, सच्चाई एक ना एक दिन बाहर आ ही जाला। ए, चुप, तू चुप कर। बेबी को बेस पसंद है, नेता को खादी भेस पसंद है, मुझे तो मेरा देश पसंद है। तू बता तुझे क्या पसंद है? मक्की को कश्मीर पसंद है। नारंगी का जूस पीने का सपना छोड़ दे, उसके छिलके भी तुझे नसीब नहीं होने दूंगा। कश्मीर तेरे बाप का जागीर नहीं है जो तू रट लगाए बैठा है। अगर दम है तो तुम दोनों लेख के दिखाओ। मगर सारी के अब इकरा के जेल के सलाखों में ना तौफीक गली के भट्टा में जलावल जाए, ले जाके डाल दे भट्टा में। विक्रम खबरदार, अगर हिले जनाब तो संभालिए इन दोनों को, हम 5 मिनट में आते। इधर आ। अली के कदमों में
एक दिन पूरा हिंदुस्तान अली के कदमों में हुई, पूरा हिंदुस्तान पे अली के राज हुई। बुझाई लो चुप। देश अली के भी है और बली के भी, शायद तुरा पता नहीं खे तो फिक देश बजरंग बली के भी है। बोलो गर्व से वंदे मातरम। लगता यू के अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरल बा। चलिए हम लोग पाकिस्तान निकल लेते। पाकिस्तान? तो जैसे गद्दार को मैं पाकिस्तान लेके जाऊंगा तो मुसलमान के नाम पे कलंक है। जनाब ये क्या कह रहे हैं आप? मैं हूँ सच्चा मुसलमान। देख मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरे मुल्क हिंदुस्तान को मैं खोखला कर रहा हूँ, और तू काफिर मेरे साथ मिलकर अपने मुल्क से गद्दारी कर रहा है। जनाब ये क्या कह रहे हैं आप? अब तू पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान जाएंगी तो तेरी बहनें, और मैं इनसे निकाह करूंगा। साला देश के गद्दार। वीर सिंह, तुम्हारी वजह से हमारा भाई सुल्तान मारा गया है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। वीर सिंह माफ कर दे बी सिंह, तू सच्चा हिंदुस्तानी हो बी सिंह, सच अपना हिंदुस्तान से बेहतर और कौनो दूसर मुल्क नहीं के बा। हम अपना मुल्क के साथ गद्दारी के नहीं, अल्लाह ताला हमरा के माफ करी। हर सभा महासण में सिर्फ देखावा खातिर भारत माता की जय वंदे मातरम बोलत रहनी, लेकिन लोग कहला कि मारते वक्त आदमी झूठ ना बोले। आज हम तहे दिल से बोलल चाहता नहीं, वंदे वंदे मातरम। भाईजान, 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 भाईजान।
सहारा तो चांद जानी करा फिल्म के लाल जी फिल्म जी।